8, find the prime factorization of the following by factor 3 method. अब हमें किसकी prime factor किसके निकालने हैं, factor 3 method के द्वारा हमें, ठीक है, इस number का निकालना है. हमारे यहाँ पे number है 88, तो हमें prime factor निकालना है किसके द्वारा, factor 3 के method के द्वारा. ओके, तो हम start करते हैं. सबसे पहले हमने 88 number लिखा, ये किससे पूरा पूरा डिवाइड होता है, देखिए हम ऐसे करेंगे, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम एक से ही 2 लिखेंगे, 2 4 जा 8 2 4 जा 8. ओके, फिर हम दोबारा जो हमारा आएगा उसको दोबारा हम ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर अगेन ये 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है, फिर अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2. ओके, इसके बाद ये 11 से हो जाएगा, ठीक है, 11 1 जा 11. अब हम देखते हैं इसके फैक्टर क्या आएगा, 2 2 2 एंड 11, ठीक है, फैक्टर लिख लेते हैं. 3 टाइम हमारे यहाँ पे 2 है और 1 टाइम 11, ठीक है. अब हम देखते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 88. ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88 के क्या हो गए, ये वाले. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है 180, ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टर 3 के मेथड से, ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पे 180 लिख लेते हैं, फिर ये किससे पूरा डिवाइड होगा, 2 से ही पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है, 2 हम लिख लेते हैं, 2 9 जा 18, 0 का 0, फिर अगेन हम दोबारा ये किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 1 आ गया, तो 2 5 जा 10, अगेन ये किससे होगा, अब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, तो ये किसकी टेबल से डिवाइड होगा, ये 3 से होगा, ठीक है, ठीक है, 3 1 जा 3 3 5 जा 15. अब दोबारा देखते हैं किससे होता है, फिर दोबारा ये 3 से होगा, ठीक है, 3 5 जा 15. अब यहाँ पे ये 5 का 5 5 जा 5, ठीक है. अब हम इसके फैक्टर देखते हैं, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5, ठीक है, 2 2 3 3 एंड 5. अब हम देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 आता है. ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 180. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड.